दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तो मेरे बेटे से वॉशरूम साफ करा रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया उसी वीडियो। का एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके घर में माँ पापा भाई बहन सब मिलकर ही काम किया करते थे। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए एक मेड रखी हुई थी। बाकी काम पूरा परिवार मिलजुल कर करता था। कुछ दिनों बाद रुशिका की शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो किसी जमाने में बहुत पैसे वाला हुआ करता था। घर में नौकर चाकर हुआ करते थे। पैसों की रेलम पेल थी। घर में दूध की नदियां बहा करती थी। फिलहाल तो ना उतना पैसा रहा, ना उतनी राजसी टाट बाटी रही। रुशिका ने ससुराल आती है अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली। वो हरदम कोशिश करती थी कि सारा काम सही समय पर हो जाए, जिससे सासू माँ को कोई भी शिकायत का का ना मिले। वैसे तो रुशिका की सासू माँ भी उसके घर कार्यों में मदद किया करती थी। बस रुशिका को सासू माँ की एक ही बात अच्छी नहीं लगती थी, और वो यह कि रुशिका कभी भी अपने पतु वासु को कुछ काम करने को कहती थी तो सासू माँ पीछे से टोक देती कि अरे मेरे बेटे से कोई काम मत कहो, मैं कर दूंगी ना, बहुत नाजों से पाला है मैंने अपने बेटे को। और सासू माँ शुरू हो जाती है अपने राजवीर ठाट बाट का पुराण सुनाने। हालांकि वासु ने रुशिका को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया था, और न ही वो अपने पुराने राजवीर ठाट बाट का बखान करता। एक दिन रुशिका ने वासु से कहा, वासु सुबह का समय बहुत व्यवस्था भरा होता है, ऐसा करिए जब तक मैं किशन और बाकी घर के ड्रेसिंग कार्यों में व्यस्त होती हूँ, उतनी देर में आप बेडरूम की ड्रेसिंग और बाथरूम की साफ कर दिया करें, जिससे मेरा काम भी हल्का हो जाएगा और थोड़ा सा समय भी बच जाएगा। वासु बहुत ही हेल्पिंग नेचर का था और उसने हसर ही हामी भर दी। एक सुबह सासू माँ वासु के पास किसी काम से उसके बेडरूम में पहुंची तो देखा वासु वॉशरूम साफ कर रहा था। ये देखती सासू माँ गुस्से में आ गई और जोर से रुशिका को आवाज लगाई। रुशिका भागी भागी कमरे में आई तो सासू माँ ने गुस्से से आगे तरते हुए कहा, अब ये दिन देखनी बाकी रह गए कि मेरा बेटा वॉशरूम साफ करे। मैंने मेरे बेटे को राजकुमारों की तरह पाला है, बेटे पानी पिलाया, कितने नौकर उसके आजू बाजू रहते थे, और आज तुम मेरे बेटे से वॉशरूम साफ करवा रही हो। और ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। रुशिका और वासु ने माँ को सूप कराया। रुशिका ने सासू माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जानती हूँ माँ की आपने आंसू को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझती हूँ, पर माँ आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ना अब आपके जमाने का राजवी माहौल रहा ना, नौकर चाकर सारे काम खुद ही करने हैं तो मिलजुल कर ही करने पड़ेंगे, और वैसे भी अपने घर के काम करने में कोई शर्म नहीं। सभी माँ बाप अपने बच्चों को राजकुमार और राजकुमारियों की तरह ही पालते हैं। अगर उन्हें अपने बच्चों को समय अनुसार खुद को ढालने की कला भी सिखानी चाहिए। मेरे मायके में भी पापा और भाई हमेशा माँ की घरेलू कार्यों में मदद करते रहते। माँ परिस्थितियों के अनुरूप खुद को तैयार करना भी जरूरी है। कल को मेरे बच्चे भी होंगे तो मैं उन्हें राजकुमारों की तरह ही नाजों से पालूंगी, उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, मगर उन्हें हर परिस्थितियों में खुद को ढालना भी सिखाऊंगी। तभी वासु ने भी माँ से गले लगाते हुए बोला, हाँ माँ भूल जाइए वो राजवी ठाट बाट के दिन, हम सब मिलकर अपने गरोदे को प्यार से समकाएंगे। राजवी नहीं प्यार के ठाट बाट से सजा गरोदा, बस अपना आशीर्वाद और प्यार हम दोनों पर बनाए रखिएगा।